एक वीर माँ का वीर बेटा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर कलश रखे हुए हैं, मेरी माता जी रखी हुई, माता जी का नाम संध्या देवी हुआ। और मेरी आँखों की मन्नत के लिए मन्नत ये थी कि मेरे बेटे की आँख यदि वापस आ जाती है तो मैं 10 दिनों तक बिना अंजल ग्रहण की आराधना करूँगी, और मन्नत पूरी हुई तो कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरी माता जी एकदम ठीक हैं, और आगे भी मैं कामना करता हूँ माता जी से कि ठीक हो। अच्छा, मतलब क्या बहुत पहले बात हुई थी कि सर होगा तो हम कलश रखेंगे या फिर आराधना करेंगे 9 दिन तक? हाँ, पहले बात हुई थी, प्लान था पहले से। क्या सीना पर कलश रखने के लिए? हाँ। तो आप लोग कहाँ से मिल रही थे? औरंगाबाद। कहाँ? औरंगाबाद खास जिला कहीं। अच्छा, तो फिर गया बच्ची? गया मगध कॉलेज। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? यही कोई बीते 5 साल से। तो यहाँ रह के क्या करते हैं आप लोग? मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ, और माता जी हाउस वाइफ। अच्छा, कितने मतलब भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं। अच्छा, तो पिताजी क्या बहुत अच्छी हुई? यही कोई 2012 से। किस तरह से? कैसे? एक्सीडेंट में। हाँ हाँ, दिल्ली। उसके बाद फिर कैसे घर परिवार देख रहे हैं मम्मी आपको? माता जी देख रही हैं, पार्लर का काम भी ये सब करती हैं। तो आप कैसा आपको महसूस हो रहा है कि मेरी माँ जो है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, एक वीर माँ का वीर बेटा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तक जो है जो जेंट्स से जो है जो युवक जो है सीने पर रखते हैं, पहली बार महिला रख रही है? ऐसा नहीं है, ये बस माता की किसी पर भी हो कामना है, जिस पर भी हो जाए, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो या बच्चा हो। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। माँ क्या नाम है? शोभा देवी। Thank you.